मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है उसका संबंध परमात्म तत्व के साथ हो जाता है। उसका संबंध परमात्म तत्व के साथ में हो जाता है जिसकी अभिव्यक्ति उच्च शक्तियों के रूप में होकर के संसार को प्रभावित करने लग जाती हैं और उस व्यक्ति को इस संसार में पैगंबर, अवतार, ऋषि, योगी, तपस्वी इन नामों से पुकारा जाता है। वो एक दिव्य पुरुष बन जाता है। बेटा प्रवचन में गंभीरता नहीं रखना चाहता, सब बोलो। क्या तुमने पारस पत्थर का नाम सुना है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं आपसे कि आप ये सवाल कर सकते हैं, उस वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, अब मैंने कहा है क्या आप पारस पत्थर का नाम आपने सुना है? आपने कहा हां सुना है। अब लंबी बात ना करके मैं ही आपसे कह रहा हूं, पारस पत्थर का काम है अगर उसे लोहे से छुआ दिया जाए तो तुरंत वो सोना बन जाता है। बोलिए इतनी बात ठीक है कि पारस को छू करके लोहा सोना बन जाता है? अगर हां तो मुझे नहीं पता तुमने वो पारस देखा है नहीं देखा, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पारस की जगह कहां है। अपने गुरु की छाती से चिपक जाओ। हमारा गुरु इतना महान और गुणवान है, जिनसे चिपक करके हम अपनी जिंदगी की वास्तविकता को भी समझ जाएंगे और सोने के भी बन जाएंगे। रीता है ना हमारे गुरुदेव पारस, तो चिपक जाओ उनकी छाती से। उनकी छाती में पारस है, वो गुण जो ईश्वरीय गुण हैं वो उनके अंदर भरे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने, मैंने उनका एक प्रवचन सुना जिसमें उन्होंने कहा, बड़े ही आत्मीय भाव से कहा कि तुम्हें हम कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे, तुम्हें हम कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। माताजी ने तो यहां तक कहा, रात को तुम सोते हो तो सिराने हम बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा शरीर से जन्म नहीं दिया है,
परंतु तुम हमारे बच्चे हो। हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पारस को छूने का मतलब यही है। कि हम एक दूसरे के साथ लिपट जाएं। अभी जल्द नजदीक में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा, ये जो 1.25 लाख गायत्री मंत्र पीड़ा निवारण के लिए रखा है इसको सामान्य मत समझना। इसको सामान्य मत समझना गुप्ता जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, छाती से चिपकने को गुरुदेव ने खुद कहा है। ये युग निर्माण की एक कड़ी है। व्यक्ति व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज का निर्माण, यही युग निर्माण है। अच्छे से गहरे से समझेंगे तो आपको सब समझ आएगा। अच्छे से गहरे से समझेंगे तो आपको सब समझ आएगा। मुझे गाने का शौक नहीं है, परंतु माताजी ने एक गीत गाया था, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे, इस तरह से करके गीत गाया है। आवश्यकता एक बात की है कि हम गुरु के बन जाएं। दिक्कत कहां आ रही है? हर आदमी उनसे कुछ ना कुछ पाना चाहता है। उन्होंने स्वयं कहा है, डाकखाने में कोई जलेबी मांगेगा तो नहीं मिलेगी, डाक से संबंधित चीजें ही डाकखाने में मिलती हैं। गुरु से वो मांगा जाए जो गुरु के पास देने के लिए है। गुरु ने तप किया है, पुण्य किया है, पर किसको दे? स्वार्थी को? युग निर्माण योजना की बात मैं आपसे बता रहा हूं। हम सोच भी नहीं सकते गुरुदेव ने कितना तप किया है। उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है कि स्वयं साक्षात गायत्री हो गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनसे वो ही मांगा जाए जो वो दे सकते हैं, फायदे में रहेंगे। नौकरी, रुपया, पैसा, बेटा बेटी, ये मांगना गुरु का कार्य नहीं है। वो अपनी इच्छा से किसी को कुछ दे रहे हैं तो उनकी इच्छा है, परंतु ये मांगना हमारा धर्म नहीं है। हमें मांगना चाहिए जो जिसमें हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, हमको उस चीज को गुरु से मांगना चाहिए। सच्चाई ये है कि जो मैंने सबसे पहले कहा है, जो अपने जीवन की वास्तविकता को समझ लेता है वो गुरु तत्व के उतना ही नजदीक चला जाता है, और यही पारस का काम करता है। यही पारस का काम करता है।
परमात्म तत्व वो अनंत जीवन है। अनंत इसलिए कहा है क्योंकि उसका क्रम कहीं पर भी टूटता नहीं है, निरंतर अपने जीव के साथ जुड़ा है। जो सर्वव्यापी सत्ता के रूप में इस जगत में अदृश्य रूप से अपने काम को कर रहा है, जैसे जैसे आपकी नजदीकी बढ़ती जाए वैसे ही वैसे अपनी गुरु सत्ता को मन ही मन साकार करने लग जाए, मन ही मन उसको आकार देने लग जाए। मैंने पिछले दिनों आप लोगों से कहा था गुरु हमें पहली नजर से देख रहा है, उसी से नियमन और नियंत्रण कर रहा है। उससे दृश्यमान जीवन आता है, उसी से दृश्यमान जीवन आता है और सदा सर्वदा अनंत असीम और अनादि ज्ञान और शक्ति का भंडार आपके साथ जुड़ता है। मनुष्य साधारण है परंतु राक्षस भी है, दुष्ट भी है। देवता उसके अंदर छुपा हुआ है। ये जो पीड़ा निवारण का कार्यक्रम शुरू किया गया है इसका उद्देश्य ये नहीं है कि सवाला गायत्री मंत्र किया जाए और उसके ऊपर बरसात की तरह से छिड़क दिया जाए। इसका उद्देश्य है मानव में देवत्व का उदय। किस लिए? मानव, मैंने कहा है मानव अपनी भूल कहिए, अज्ञानता कहिए, अपने को न जानने की, उसके कारण भौतिकता को ही मांगता रहता है और उसे ही सब कुछ अपना स्वरूप समझता रहता है। कैसे उस समर्पण को निकाल करके लेकर के आया जाए जिस समर्पण में हमारी अपनी आत्मा समाई हो। उस समर्पण को चाहते हैं जो इतने ऊंचे स्तर का हो। सोचिए कैसे किया जाए। उसका केवल एक ही तरीका है, मानव में देवत्व का उदय। हमने कहा था हर घर अपनी पीड़ा को लिख करके ग्रुप में डाले, यहां तक भी प्रयास किया जाएगा। व्यसन और कलह भी घर में ना रहे, व्यसन और कलह भी घर में ना रहे, नहीं तो अध्यात्म एक डुगडुगी बजाने वाला बाजीगर का एक खेल बन करके रह जाएगा। जो अब तक समाज में होता चला रहा है वो ही अध्यात्म रह जाएगा, अध्यात्म का और जीवन का कोई संबंध नहीं रह जाएगा। जीवन के आदमी महत्व को नहीं समझ रहा है,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। कल भी मैंने कहा था अपने आप को शरीर मानना और संसार में गति करना, अपने आप को आत्मा मानना और परमात्मा में गति करना। किसमें सुख और शांति और आनंद है, संसार में या आत्मा में? हमें उसी तरफ को जाना है जिससे हम, जिसमें हमें अपने जीवन की उपलब्धि हो। भोग विलास सुख सुविधाएं, इनसे हमें दूर हटना होगा। मैंने ही कहता, कल भी मैंने बोला था, जितनी शरीर की आवश्यकताएं हैं और जिनकी जितनी मन की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना ही होगा, बचे हुए से पुण्य परमार्थ करना ही होगा। आधे घंटे में 1,78,000 जप आपने ही किया था, परंतु एक ऐसी हूक और उचंग आपके अंदर उठती है उफान की तरह से, परंतु समय का छींटा लग जाता तो दब जाती है। मजबूरी में जब आधे घंटे में 1,00,000 का भी जप नहीं हुआ तो मजबूरी में उसको 40 मिनट का करना पड़ा। ऐसा ना हो एक एक करके हटता जाए और प्रोग्राम ही बंद हो जाए। जी गुप्ता जी, ये बात सही है। अगर हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो जीवन का लाभ हम तभी ही उठा सकते हैं, यही ईश्वर के साथ नजदीकी है। और जब हमारी नजदीकी नजदीक हो जाएगी तो ईश्वर के गुणों का आदान प्रदान हमारे साथ हो जाएगा। हो तो अब भी रहा है, परंतु अज्ञानतावश हमको पता नहीं है। इसलिए इस अज्ञानता के आवरण को हटाएंगे तभी हमारी पीड़ाओं का निवारण होगा और उसी से युग निर्माण होगा। जो समझाया जा रहा है उसमें उस तथ्य को पकड़िए। काम तो अभी पता नहीं आपको ये कैसा लगता है, पर जैसा अभी कहा, दुख दरिद्र कलह कलेश रोग पीड़ाएं जब इनका निवारण होने लग जाएगा तब आपको इसकी कीमत का पता लगेगा। इसलिए तैयार होकर के रहें, जो कहा जा रहा है उसके लिए तैयार होकर के रहें। जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है। बेटा, जिस दौर से गुजर रहा है यही परीक्षा है। जिस दौर से व्यक्ति गुजर रहा है वर्तमान ही उसकी परीक्षा है। जो वर्तमान में घट रहा है वो ही वास्तविकता है। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण, समर्पण
विसर्जन विलय शासक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनिषत् कुंडलिनी अंत ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग मूलाधार भूलोक सहस्रार ब्रह्मलोक
मेरुदंड देवयान कुंडलनी आत्मशक्ति जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय ऊर्ध्वगमन कुंडलनी जागरण तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद वेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण अज्ञा चक्र जागरण षटचक्र जागरण कुंडलनी जागरण चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार
अधिकारी का दावानल में विस्तार। ज्योतिका ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिन्हगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। योग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में। साधक का सविता में। क्षुद्रता का महानता में। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलनी जागरण। बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगादि
जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के पांच चरण, पंचोंकार। संपन्न निवेदन करूंगा रविवार के लिए उसको एक अभियान बनाना होगा और बढ़ते जाना होगा। आज की बात संपन्न।